दोस्तों, मुझे पिछले 2 साल से इस बात का मलाल है कि मैं फिल्मों के बारे में बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि हम बॉलीवुड की फिल्में नहीं देख रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड को बॉयकॉट करना है। क्यों करना है ये बताने की ज़रूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तब तक बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखना है। हाँ, बॉलीवुड से जो जुड़ी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो जब तक हम किसी फिल्म को देख नहीं लेते, उसके बारे में सही तरीके से रिव्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, उसे पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि बॉलीवुड अभी भी कचरा ही बना रहा है और कचरा बनाकर इस देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहता है। लेकिन इस देश की जनता तो बड़ी समझदार हो चुकी है यार, मानना पड़ेगा कि वो इन कचरा चीजों को पसंद ही नहीं कर रही है। जुग जुग जियो नाम में सोचिए कि लोग इस तरह का आशीर्वाद कब देते हैं कि जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो, दुनिया में आगे बढ़ो, इस तरह की बातें करते हैं ना, जुग जुग जियो। उसी टाइटल को लेकर धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बहुत सारे मीडिया चैनल जिन्होंने पैसे लिए भी है रिव्यू करने के लिए, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जुग जुग जियो क्यों नहीं देखे। ये फिल्म इतनी बकवास फिल्म बनी है, आप समझ नहीं सकते हैं कि इतनी बकवास फिल्म बनी है। जो लोग देखेंगे वो हो सकता है मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट करने चले आए। फैमिली ड्रामा के नाम पर इन्होंने पूरा का पूरा बवासीर परोस दिया है। जो जो रिव्यू मैंने अभी पढ़े हैं अदर मीडिया साइट्स के ऊपर कमेंट सेक्शन में, फिल्म बनाई है इन्होंने फैमिली ड्रामा, फैमिली को लेकर बनाई है कि जुग जुग जियो, लेकिन बेटे का डिवोर्स होने की कगार पर है, बाप का कहीं अफेयर चल रहा है, वो भी डिवोर्स लेने की सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और बहन जो है वो भी कहीं और अफेयर लड़ा रही है लेकिन शादी कहीं और करना चाह रही है। तो ये फैमिली ड्रामा फिल्म है, ये पूरे इनकी फैमिली के अंदर ही मारपीट, झगड़ा, झंझट, तलाक, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर यहाँ प्यार कर रहे हैं, वहाँ शादी कर रहे हैं, यहाँ लफड़ा, वहाँ लफड़ा, यही दिखाया गया है इस फिल्म में। यहाँ तक कि अनिल कपूर जो बाप है अपने बेटे के साथ बात करते हैं कि तेरा प्यार प्यार है और मेरा ठरक है, तूने ऐसा कैसा समझ लिया, इस तरह के डायलॉग्स हैं। कौन सा बाप अपने बेटे से इस तरह की बात करता है? ये सिर्फ बॉलीवुड के जो बाप है वही लोग अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें कर सकते हैं। निजी जिंदगी में मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब टाइप के लोग होते हैं ये ऐसी बातें नहीं करते, उनके लिए उनके शब्द, उनके संस्कार ही सबसे टॉप पे रहते हैं। यही चीज है जो बॉलीवुड जो साउथ का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। साउथ में संस्कारों को दिखाया जाता है, यहाँ पे ये ठरक को बेचने पर निकले हुए हैं कि झोला बांध दो पीठ के ऊपर और उसके अंदर जितनी ठरक है उसे मार्केट में लेकर निकल जाओ, बेच देंगे। लेकिन इनका सामान बिक नहीं रहा है क्योंकि लोग इतने भी ठरकी नहीं है जो अपने संस्कारों को बेच कर ऐसी वाहियात फिल्म देखने के लिए जाएंगे। हिंदू धर्म का किसी भी फिल्म में अपमान ना हो या उनके रीति रिवाजों का, देवी देवताओं का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस फिल्म में भी एक रिव्यू मैंने पढ़ा, वहां पर ऐसा दिखाया गया है कि वरुण धवन जो है, एक शादी का सीन चल रहा है, वहां पर आते हैं और अग्निकुंड में एक बाल्टी पानी डालकर उसे बुझा देते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है, शादी किसी और की चल रही है और तुम आकर उसमें बाल्टी भर पानी डाल दे रहे हो, ये हिंदू रीति रिवाजों का कितना बड़ा अपमान है, कितना तिरस्कार कर रहे हो आप उस रीति रिवाज का जिसमें शादी के बंधन में बंध कर लोग रिश्तों को निभाना जानते हैं, रिश्तों को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड में तो भाई तलाक वाली चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए तलाक तो बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है। तलाक लेना, शादी करना, सब कुछ बच्चों का खेल है इनके लिए और उसी चीजों को ये सब प्रमोट करते हैं अपनी फिल्मों में। लेकिन फिर भी न जाने लोग क्यों इन्हें अपना आइडल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। और उनके कमेंट जब भी मैं रीड करता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये दुनिया कहाँ पहुंच गई है और ये लोग अभी भी वहीं पर हैं। इन्हें सब कुछ फेक लगता है जो हम बातें बोलते हैं, ये किस दुनिया में जी रहे हैं, किस नकली लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं ये? जब नकली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना भगवान मान रहे हैं नकली चीजों को देखकर, तो ये अपने माँ बाप को कहाँ से इज्जत देंगे? अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे सकते तो हमें कहाँ से इज्जत देंगे? हमारी बातों को कैसे मानेंगे कि हम मैं सच बोल रहा हूँ? तो ये फिल्म बनाकर ये जो कर रहे हैं,
मैं देखो सिर्फ न्यूज़ नहीं देता हूँ, मैं मुद्दों पर भी बातें करता हूँ। और मैं 99% जो कमेंट आते हैं मेरे चैनल पर, मैंने देखा है बहुत ही अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ही सभ्य लोग हैं, बहुत ही साफ सुथरे कमेंट करते हैं। और कमेंट देखकर लगता है कि यार कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ तो अच्छी बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों के हिसाब से मैं कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ सेंसिबल बातें कर रहा है, लोग सुनने आते हैं। व्यूज लाखों में नहीं जाते वो मैटर नहीं करता है, हजारों में तो आते हैं, 1,000 लोगों तक तो मेरी बातें पहुंच रही हैं, ये मैटर करता है। तो ये जो फिल्म इस तरह की लोग बना रहे हैं, अगर वाकई में इनकी पूरी फिल्म देखनी हो तो ये क्या घटियापन दिखा रहे हैं अपनी फिल्मों में, ये सब कुछ बहुत तरीके से आप सभी के सामने ला सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं लाना चाहता। बॉयकॉट बॉलीवुड।